नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्तोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सत्तोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ ट्रूथ, स्टडी ऑफ ट्रूथ। अपोजिट टू दैट इज मिथोलॉजी, व्हिच मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ फेक लाइ और इमेजिनेशन। आपके सत्तोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि अमेरिका की क्या चक्कर चल रहा है तिब्बत में। सेव तिब्बत एक्ट पास हो गया और सेव तिब्बत एक्ट में अमेरिका ने क्लियरली पूरे के पूरे तिब्बत को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर किया। एंड दिस इज अ फिनोमिनल। मैं चाहता था कि इंडिया करे ऐसा, लेकिन अमेरिका ने किया है। कुछ तो होगा, कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स पूरी ताकत तो लगा ही रहे हैं भारत को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से भिड़वाने के लिए। बट आगे क्या होगा तो आज हम जानेंगे प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी से। विदाउट डिले लेट अस वेलकम कुसुमलता केडिया जी। वेलकम एंड नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार। त्रिमुष्टक की जय हो, कैलाश मान की जय हो, बाबा भोलेनाथ की जय हो, जगदम्बा के मायके की जय हो, हिमालय की जय हो। आज आप मन का विषय दे दिया। और आज मार्कंडेय ऋषि के तीर्थ स्थल की जय हो, जो जो कैलाश से थोड़ा सा अच्छा अच्छा हाँ, तिब्बत में है जी। और हमारे कुबेर महाराज की जय हो जी। जी महाराज भी वहीं से हैं। सभी देवी देवताओं की जय हो, संतन की जय हो, किन्नर की, सिद्धों की जय हो, चारणों की जय हो, सबकी जय हो। तो हम मैं बार बार त्रिविष्टप बोलूंगी। त्रिविष्टप जी। तो सुनने वाले उसको तिब्बत समझे जी। बोलिए। यस। तो त्रिविष्टप का संस्कृत में जो नाम है ये अपने प्रांत का, तो अगर हम ज्योग्राफी को देखें पुराणों से और उस ज्योग्राफी में ये जो हरि वर्ष है और किम पुरुष वर्ष है, इन दोनों को मिलाकर तिब्बत रीजन बनता है। इतना बड़ा एरिया है, दो वर्ष मिलाकर तिब्बत बनता है। हाँ, वो पढ़ी तो बहुत ही याद में रहता है जी। दो वर्ष मिला के बनता है हरि वर्ष और किम पुरुष और हरि वर्ष। तो इतना बड़ा एरिया है और चीन तो बड़े छोटा सा प्रांत है, बहुत ही छोटा सा प्रांत है। तो कोने में जी, एकदम जो आपने बताया था मलय समुद्र के तट पर। हाँ। नहीं है वो, नहीं मलय समुद्र पे नहीं है, उसके तो आया है 11वीं के बाद। तो जो आया है वो चीन नहीं था। हाँ। वो शुंगो का राज्य था। सबसे पहले कुबलई खान ने जब कॉन्कर किया 14वीं शताब्दी में, कुबलई खान के राज्य को 19वीं-20वीं में कैम्ब्रिज वालों ने या यूरोप वालों ने चीन कहा है। हम लोगों को ये बहुत समझने की जरूरत है। खैर, अभी इससे शुरू करते हैं। बताइए जी। तो ये चक्कर हमारे बहुत काम का है। इस चक्कर से महादेव जी बहुत प्रसन्न है। इस चक्कर में को समझने के लिए मैं पहला 10 मिनट आप लोग को थोड़े से पीछे ले जाऊंगी, थोड़ा सा पीछे। जाते ही ये चक्कर समझ में आ जाएगा। या पहले एक लाइन में चक्कर बता दूं। चक्कर ये है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार नीचे आ रहा है। नीचे आने के बावजूद बहुत अधिक पावरफुल है, या इस समय भी संसार का सबसे अधिक पावरफुल है। एकदम नीचे आने के बावजूद भी अगले 20-25 साल बहुत शक्तिशाली रहने वाला है, किंतु चूंकि शक्ति कम हो रही है तो शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी गतिविधियों को रीअरेंज कर रहा है। तो इस रीअरेंज करने में यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये उभरा है, तब पैसिफिक में खास करके और पैसिफिक के साथ थोड़ा सा इंडो पैसिफिक में इसकी जो गतिविधियां हैं
इसको अब समेटना है, तो समेटने के लिए जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्टिफिशियली इलीगली फैलाया था, क्या फैलाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कम्युनिज्म को फैलाया था। सुन के आश्चर्य लगेगा, लेकिन आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो मेरे से कई गुना अधिक स्पष्टता के साथ अनेकानेक विवरणों के साथ आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जिसको फैलाया था, क्यों फैलाया, अचानक शक्ति का, सामर्थ्य का, जैसे दूध में उफान आता है, कढ़ी में उफान आता है, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उफान आया और इन आर्टिफिशियल स्टेट वालों को, जिनको स्टेट क्राफ्ट नहीं पता, इन लोगों को लगा वी कैन रूल, काहे को रूल, पूरी धरती पर हम रूल कर सकते हैं। तो दुनिया भर की गतिविधियां की, 45 से 2025, 55, 5, 60, 80 साल, 80 साल नहीं, 55 साल के भीतर 2000 तक आते आते इनको समझ में आ गया, समेटने का समय आ गया है, ये समेटने की तैयारी है। लेकिन समेटने के बाद कम्युनिस्टों के हाथ में छोड़ने की तैयारी नहीं है। तो त्रिव स्टप की जय हो। त्रिव स्टप सदा से भारत का अंग रहा है। आदित्य जी ने कितना सुंदर बताया, हरि वर्ष किम पुरुष वर्ष का अंग है। तो हरि वर्ष और किम पुरुष वर्ष हमारे महाभारत में अभी ताजा ताजा टटका टटका 5000 साल पहले का, भारत की कालगणना में, अफ्रीका की कालगणना में और समस्त मानवों की कालगणना में 5000 साल तो हम लोगों का मॉडर्न पीरियड है, जहां से कलि काल शुरू होता है, त्रेता संपन्न होता है। तो पुराणों में इन सब जगह इतना वर्णन है। और 1947 तक कश्मीर के जिनको महाराजा कहते हैं, वो मैं आज तो याद नहीं आया, नहीं तो निकाल, शायद मैंने आदित्य जी को एक बार भेजा था, उनके जो डाक टिकट है, उनकी जो राज मुद्राएं हैं, उनके जो सिक्के हैं, उस पर उनका जो विरद वर्णन है उसमें है जम्मू कश्मीर और त्रिविस्टप के महाराजा। कब तक? 1947 तक। केवल 1947 तक नहीं, 1956 अगर मुझे सही याद है, नेहरू जी जो कुछ एक कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं उसमें तिब्बत को एक सार्वभौम राज्य की तरह न्योता दे रहे हैं, और उसके बाद अचानक चीन को नहीं, माओ के अधीन वाली कम्युनिस्ट पार्टी को, समस्त कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं, जो माओ की अधीन वाली कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने छीन कर, किससे छीन कर, चांग काई शेख से, जो चीन की नेशनलिस्ट फोर्सेज है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाला पोसा है, जिसको सोवियत रूस ने भी पाला पोसा है। यही चीजें अभी मैं बताने जा रही हूं। दोनों ने दोनों को पाला पोसा है, दोनों ने कम्युनिस्ट पार्टी को भी पाला पोसा और दोनों ने चांग काई शेख को भी पाला पोसा। लेकिन 1949 में चांग काई शेख को मेनलैंड से भगाकर ताइवान में स्थित किया और माओत्सेतुंग को कब्जा करवाया चीन पर, जो चीन नहीं है, जो मांचुओं का साम्राज्य है, जो भरत वंशियों का साम्राज्य, जाके देख लीजिएगा, आज मेरा मेन विषय त्रिविस्तप है। तो 55 साल के अंदर इनको सब कुछ पलटना पड़ता है, किनको,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या मैं कहूं यूरो अमेरिकन ब्लॉक, या मैं कहूं क्रिश्चियन ताकतों को, या मैं कहूं चर्च में दीक्षित अपने को सेकुलर ताकत कहने या उसके तरीके से काम करने वालों को 100 साल तक का नीति बनाने का, देख पाने का सामर्थ्य नहीं है। तो ये जो चक्कर है वो ये है, अमेरिका जो अचानक 1945 के बाद उसमें उफान आया है, उफान भी कैसे आया मैं अभी बताऊंगी, उस उफान में जो ये फैला और इसको लगा मैं सारे संसार को कंट्रोल कर लूंगा, उसको 55 साल 50 साल के अंदर अपनी घटती ताकत के कारण रीअलाइनमेंट करना पड़ा। आदित्य जी कुछ पूछे तो आगे चलो। मैं एक्चुअली मैं पूरा एरिया मैं मैप पे दिखा रहा हूँ लोगों को, दर्शकों को। हाँ, और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो मैप है ये मैप सारे एरियाज को, त्रिविष्टप का अर्थ ही ये होता है तीन का समन्वय, तीन जगह का समन्वय। हाँ, पुरुष वर्ष हो गया और दूसरा आपका ये जो हरिवर्ष बताया आपने, हरिवर्ष हो गया और तीसरा हो गया हेमवंत। हेमवंत हाँ। जो है हेमवंत जो है हिमालय को बोलते हैं, पूरे हिमालय रेंज को। हाँ। तीनों का समन्वय त्रिविष्ट। हाँ। और वो तीनों जगह एक जगह पे आके मिलते हैं, लद्दाख के एरिया में और उसके ऊपर के एरिया में। तो ये पूरा हाँ। रीजन जो है भारत का है। और मैं मैप में जो अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि मैप में पीछे तक जाएगा वो, लेट मी टेक ए बिगर स्क्रीन। हाँ, ये इधर ये मैप में अगर हम देखें तो ये पूरा जो नेचुरल लाइन है, ये नेचुरल लाइन है इसके डिवीजन की, ये हिल वाली तो इसके इस एरिया में ही है सिर्फ ये जगह, क्योंकि शदाओं को भी ये लोग तिब्बत नहीं मान, शदाओं को भी चीन नहीं माना जाता है पहले से, चांगसी को भी चीन नहीं माना जाता, चीन तो जरा सा है इतना सा। हाँ, ये कई मैप दिखाए हैं पहले, ये नहीं है, ना 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 ना, ना। आठवीं नौवीं शताब्दी तक ये पूरा क्षेत्र दलदली है। यहाँ जो पीली नदी है, पीली नदी के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है जो आज मूल चीन है, यहाँ आठवीं शताब्दी तक तो एक आदमी नहीं है। अच्छा, ये पूरा दलदली क्षेत्र है। आठवीं शताब्दी में एंगस मेडिसन आप पढ़िए तो वो संदर्भित करता है चंपा से, यानी वियतनाम से। चावल की ऐसी वैरायटी यहाँ गई है जो दलदली क्षेत्र में उग पा रही है। आठवीं शताब्दी तक चीन में इस क्षेत्र का कोई वर्णन ही नहीं है। नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और इसके बाद जो शुंग एम्पायर है, अभी तक मैं खोज नहीं पाई हूं, ये शुंग भारतीय है, अभी तक मुझे एक साक्ष्य मिला नहीं है। अगर मेरे सुनने वालों को मिले तो मुझे पुस्तक या जो भी आर्टिकल है संदर्भित कीजिए, मेरा एकदम शुंग का वर्णन तो भागवत पुराण में भी आता है। हाँ, तो वो आप लोग खोज, मेरा ये निश्चित मत है कि अगर आठवीं शताब्दी तक वहां मनुष्य ही नहीं है, बाद में अचानक वहां शुंग एम्पायर है, तो भाई तुमसे क्या लेना देना। वेन सॉन्ग फाहियान दो, ये दो प्रसिद्ध इनके यात्री हैं, इन दोनों में इस क्षेत्र का वर्णन नहीं है। चौथी शताब्दी और छठवीं सातवीं शताब्दी, सातवीं शताब्दी कोई वर्णन नहीं। इस जो ये पीली नदी है वांगहो, वांगहो के ऊपर का जो हिस्सा है वो नन्हा सा चीन है। आज तो मैंने नक्शा रखा नहीं, मैंने आपके चैनल पर दिखाया है नेशनल जियोग्राफिक, बस 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 एकदम सही, पीली नदी के ऊपर। तो ये एरिया हो गया, छोटा सा एरिया हो गया ये, बहुत छोटा सा। और अगर उसको पढ़ें आप वेनसोंग को और शायद फाहियान को भी, तो भारत में वो कहते हैं लोग पूछते कहां से आए,
तू कहता है मुझे बहुत लज्जा होती है बताने में कि मैं बहुत दूर से आया। तो भारत के बड़े बड़े लोग कहते हैं देखो ये कितने श्रेष्ठ लोग हैं जो ज्ञान की पिपाशा में धरती के कोने से आ रहे। तो सातवीं शताब्दी है ना फ्रेंड्स ऑन, तो चलिए चलिए जी। तो अब अमेरिका का चक्कर, तो हम लोग चले जरा सा पहले, जो लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है बिगनिंग ऑफ 20th, 1914 लड़ाई की सारी भूमिका बन गई है, कब 1880 1890 1895 क्यों, बिस्मार्क जर्मन यूनिफिकेशन कर चुका है, जर्मनी अपना स्पेस ढूंढ रहा है, मिडिल ऑफ यूरोप में बैठा हुआ है, इस समय यूनाइटेड स्टेट्स कहीं गिनती में नहीं है, पहली लड़ाई में फ्रांस को रोक देता है, 1870 में फ्रांस पर आक्रमण करता है, उसके कारण बड़ा अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट होता है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1890-95 में मिलिटरली पिग्मी स्टेट है। 1890-95 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिटरली पिग्मी है, इसकी आर्मी का किसी भी विदेशी आर्मी से एक भी झगड़ा नहीं है, इसके उत्तर में कनाडा से झगड़ा नहीं है, आर्मी वाला मेक्सिको से आर्मी वाला झगड़ा नहीं है, जो बल है वो देश के निहत्थे या देश के मूल निवासी जो रेड इंडियंस हैं इनको मारने के लिए प्रयोग होता है। यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किसी विदेशी ताकत से सेना वाला लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो सेना रखने की जरूरत। अचानक इतना बड़ा मिलिट्री पावर कैसे हो गया अचानक? अच्छा एक चीज और बता दूं, और इनकी पॉलिसी क्या है, आइसोलेशन में रहना। याद कीजिए वो महान महान करके जो इनका जियोपॉलिटिशियन है उसने सिद्धांत दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चारों दो तरफ समुद्र से घिरा हुआ एक तरह का आइलैंड है, इसके स्ट्रेंथ का इसके सामर्थ्य का यही रहस्य है कि इसको किसी से लड़ना फिरना नहीं है, लेकिन भयंकर रूप से इसको लड़ने भिड़ने आना पड़ा। पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई दोनों में पक्ष है जर्मनी, जर्मनी फ्रांस का और बाकी यूरोपियन टिटबिट सबका चटनी बना देता है, इंग्लैंड का चटनी नहीं बनाता है, इंग्लैंड अपनी रक्षा अपनी कॉलोनी की रक्षा के लिए आता है और बाद में खींच कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आता है लाता है, क्योंकि जर्मनी के लिए अटलांटिक बैरियर नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो बड़े बड़े जहाज हैं, उनकी जल समाधि जर्मनी लगवाता है। तो जैसे ही अच्छा इसमें एक चीज और बता दूं, पहली लड़ाई में इंटरवेंशन करने के बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अपने युद्ध के जो सामग्री है जहाज थोड़ा बहुत है, पानी का है, टैंक है और हथियार है, इनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, इंग्लैंड डिस्ट्रॉय कर रहा है, फ्रांस डिस्ट्रॉय कर रहा है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद, कि जर्मनी को हम डिसआर्म कर रहे हैं लेकिन हम अपना भी सब खत्म कर रहे हैं। इसको पढ़ना है तो चर्चिल के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो वॉर मेमोयर्स है इनको आप पढ़ डालिए, खास करके उसका खंड एक। आज मैं किताब विताब नहीं दिखा रही हूं क्योंकि बात त्रिविस्टप की करनी है। तो ये युद्ध से डरे हुए लोग हैं, तय करता है नहीं आएंगे, फिर दूसरी लड़ाई होती है,
फिर जब जापान पर, जापान क्या है, पिद्दी में पिद्दी का शोरबा जरा सा देश, ये जब पर्ल हार्बर पर, पर्ल हार्बर कहाँ है, एशिया के पास, नीचे आइए फिलीपींस के पास, इंडो पैसिफिक में यूएसए का जो ये है नेवल बेस है, इस पर आक्रमण करता है छक मार के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, वॉर में एंट्री लेता है और तब से अचानक भयंकर तैयारी वॉर प्रिपरेशन की। और वो सफल क्यों होता है, अरे पूरा कॉन्टिनेंट तुमने कब्जा कर लिया है भाई, 1914-1945 तक तुम कैलिफोर्निया पैसिफिक कोस्ट तक पहुंच चुके हो, एक कॉन्टिनेंट साइज के, अब इसको देश तो नहीं कहेंगे, क्षेत्र का प्रयोग तुम कर रहे हो एक इत्ते से जर्मनी, एक इत्ते से जापान से लड़ने के लिए। हाउ इनएफिशिएंट यू आर, जापान इतना सा, जर्मनी इतना सा, जो 1870 में अभी देश के नाम पर आर्टिफिशियल है, वो भी जबरदस्ती का बनाया हुआ देश है, खड़ा होता है। लेकिन तो ये तिब्बत का मामला क्या है, ये जो जापान है जिसके खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिट्री पावर बनता है, ये एटम बम डालने पर भी झुकने को तैयार नहीं है, तो फ्रॉड के द्वारा जापान को झुकाया जाता है, जिसकी पूरी कहानी मैंने आपके यहाँ सुना दी है, उसके एम्परर को कैसे वो सब डिप्लोमेटिकली हैंडल करते। तब अब ये जो जापान है इसका क्या रोल है ये तिब्बत वाले मामले में, जापान चीन पर कब्जा कर चुका है ऐसा, और कब्जे का नेचर क्या है, ये जो मांचू साम्राज्य की राजधानी है नानकिंग, ये जो वांगहो नदी के नीचे है, मूल चीन के बाहर है, नानकिंग का मतलब दक्षिणी राजधानी, रेप ऑफ नानकिंग के नाम से प्रसिद्ध है। आपने किसी राजधानी का रेप जैसा शब्द पढ़ा सुना नहीं होगा। तो ये सो कॉल्ड जो चीन है, ये जापान के सामने इतना दयनीय अवस्था में है। एक तिब्बत का झंझट समझा रही हूं, ऊपर से सोवियत रूस बढ़ता जा रहा है, सोवियत रूस जर्मनी के खिलाफ एलाइड पावर का साथ देता है, लेकिन 1917 में कम्युनिस्ट हो चुका है, इसलिए रूस से इसका नाम बदल के सोवियत रूस हो गया। 45 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एलाइड पावर का सबसे प्रबल और प्रचंड शत्रु है। तो तिब्बत का मामला है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बड़ा कर बनाना, बड़े संसाधन देना, जापान से तुम निपट सको, तुम हमारे शत्रु सोवियत रूस से निपट सको। यानी अमेरिका, ध्यान दीजिए, सोवियत रूस और जापान से निपटने के लिए उसी क्षेत्र में एक बेहुदे एब्सर्ड से पावर, कौन सा पावर, माओ के अधीन कम्युनिस्ट पावर, जो इनको दो कौड़ी का नहीं मानता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 3 एपिसोड किए हैं सत्योलॉजी पर, कि कम्युनिस्ट पार्टी को यूएसए ने कैसे बढ़ाया, और बढ़ाते 1949-50-51 में माओ ने अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट, यानी सो कॉल्ड अमेरिकी एम्बेसडर वगैरह, एम्बेसडर नहीं थे, जो भी उनके मुख्य लोग थे, इनको कैसे कूट कूट के मारा, सड़कों पर घसीट के मारा, जेल में बंद करके मारा, लेकिन यूएसए चुपचाप बैठा रहा। क्यों, जापान से निपटना है, रूस से निपटना है, तो कम्युनिस्ट पार्टी को फैलाना है। इसमें सोवियत रूस का भी रोल है, केवल अकेले यूएसए का नहीं है, लेकिन हम अभी अमेरिका का चक्कर बता रहे। एक और से अमेरिका को घबराहट है,
वो हम हैं, वो भारत। 1945 में भारत क्या है? पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, सिक्किम, या उइगर समस्या चल रही है, ये सब तो भारत है ना भाई 1945 में। तो 1947 में इस भारत को भी हैंडल करना है। क्यों हैंडल करना है? पहली लड़ाई में 15 लाख सैनिक गए हैं, दूसरी लड़ाई में 25 लाख सैनिक गए हैं। यानी सारे जो नरेटिव चल रहे हैं, ये नरेटिव गढ़े गए हैं वो इकोनॉमिक जायंट, मिलिट्री जायंट भारत से साइकोलॉजिकली निपटने के लिए। तो एक तरफ उसको जापान से निपटना है यूएसए को 1945 में, एक तरफ सोवियत रूस से निपटना है, और एक तरफ जो उसका दोस्त हो सकता था, सहायक हो सकता था बहुत सारे मामलों में, उससे वो शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। और भारत का जो पार्टीशन है, इसमें मियां लोग की भूमिका एजेंट की है। जैसे केजरीवाल बाहरी लोगों का एजेंट है, जैसे राहुल गांधी एजेंट है, वैसे ही जिन्ना और मुस्लिम लीग उनका टूल है इस विशाल जायंट, कैसा मिलिट्री जायंट, इकोनॉमिक जायंट। सोवियत रूस क्या है? मिलिट्री जायंट, इकोनॉमिक जायंट नहीं है। जापान क्या है? मिलिट्री जायंट बन चुका है, इकोनॉमिक जायंट नहीं है। लेकिन भारत 1945 में इकोनॉमिक जायंट है। इसको आप लोग कहेंगे तो मैं एंगस मेडिसन के आंकड़ों के साथ आप लोगों को दिखा दूंगी 1945 में भारत की स्थिति। तो अब तिब्बत क्या है? तिब्बत को माओ से तुम कब्जा कर रहे हैं फोर्स से, लोग बहुत कम है तिब्बत में। अमेरिका सोच रहा है करें क्या, भारत के पास रहने दे कि इसके पास जाने दे। ये तो गया हुआ मरा हुआ है जो चांग काई शेख से नहीं लड़ पा रहा है। अमेरिका कहना भी व्यर्थ है। अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो उस वक्त निर्णय ले रहे हैं, उनकी दृष्टि में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका माओ वाले एस्टेब्लिशमेंट को हैंडल कर लेगा। तो कमजोर के हाथ में ये विशाल भूभाग जाने दो। और इस जाने में सबसे बड़ा सहायक कौन है? भारत, ना जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए मैं कई बार लीडरशिप का नाम लेती हूं, भारत का नहीं। भारत ने अपने कैलाश मानसरोवर को, अपने हरिवर्ष को, अपने किम पुरुष वर्ष को, अपने हिमवंत प्रदेश को कम्युनिस्टों के चंगुल में नहीं दिया है। एक भारत द्रोही जवाहरलाल नेहरू, जिसको इलीगली कब्जा कराया गया स्टेट पावर पर, वो कब्जा करवाता है तिब्बत पर, त्रिवि स्टेप पर, माओ से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी का। ये बहुत ध्यान देने की बात है। इस पर मैंने कहीं और दो तीन भाषण किया है, आप कहेंगे तो मैं दो तीन भाषण आप पर कर दूंगी कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी की औकात नहीं है यहां तक चल कर आने की, इस एल्टीट्यूड पर सरवाइव करने की। और चीन के पास भी आर्मी नहीं है, चीन मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के पास भी आर्मी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के पास क्या है? पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन फोर्स। 1900 जब ये तिब्बत पर कब्जा करता है 56, 57, 58, 59 सब में, तब तक ये केवल चीन के भीतर या मांचू साम्राज्य के भीतर केवल सिविलियंस का कत्ल करता है। पीएलए वार हार्डेंड नहीं है, एल्टीट्यूड हार्डेंड नहीं है, स्ट्रेटेजिक हैंडलिंग को नहीं जानता है। ये स्काम
नेहरू के गाइडेंस में हुआ। तो अब अमेरिका का चक्कर यह है कि कमजोर को कब्जा करा दिया। फिर 1975 के बाद किसिंगर जाता है, निक्सन जाता है, माओ से तुम से बात करता है। फिर 90 के बाद तो लिटरली बैसाखियों पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस कम्युनिस्ट पार्टी को, जिसको ये क्या कहते हैं, पीपुल्स, वो कहते हैं ना पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, चाइना अलग है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग है। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आज का आधा था। ये किसी के ध्यान में नहीं है, पुराना नक्शा दिखाते ही नहीं है। ये तिब्बत वाला जगह तो 1949 के बाद गया है ना, और 1949 के बाद सीकेएम नेहरू ने हैंडओवर किया है। यानी अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री कैपेसिटी कम हो रही है, जो कम हो रही है, इकोनॉमिक कैपेसिटी कम हो रही है, जो कम हो रही है, इनको इकॉनमी संभालना आता ही नहीं है। ऐसा मैं किस आधार पर कह रही हूं? एंगस मेडिसन के रेट ऑफ ग्रोथ के आंकड़े देखिए, 1973 से 1998 वाले क्वार्टर के। भाई 73 में तो तुम बादशाह थे, तो तुम्हारा रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइनिंग क्यों था? क्योंकि ना तुमको स्टेट क्राफ्ट आता है, ना तुमको इकोनॉमी आता है, और साइंस और टेक्नोलॉजी वाली बात भी फियास्को है। किस अर्थ में? टेक्नोलॉजी का सीधा एक लाइन में अर्थ है कॉस्ट एफिशिएंट। अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी कॉस्ट एफिशिएंट होती तो तुम्हारा रेट ऑफ ग्रोथ गिरता क्यों भाई? तुम्हारा रेट ऑफ ग्रोथ कोई एक पीरियड में गिर गया, कोई दो पीरियड में गिर गया, वो तो समझ में आता है। 1973 तुम्हारा गोल्डन समय है, से 1998 लगातार गिरता गया है, और 1998 के बाद से आज तक का बढ़ा नहीं है। वो डाटा मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं कोट नहीं कर पा रही हूँ नया वाला, वो आपको शायद अंकित शाह जी बताते होंगे। तो अब क्या करना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को? शासन तो करना है, पावरफुल तो वो है, पावरफुल अभी 20-25 साल आराम से रहेगा, लेकिन अपनी इकॉनमी, अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, अपने स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट, अपने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डालना है। तो जिसको आर्टिफिशियली खत्म खड़ा किया था, उसको अब खत्म करना है। यानी कौन? चीन नहीं, चीन का कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन, चीन का आर्टिफिशियल जो साइज, जो इलीगल साइज है, जो लाखों करोड़ों लोगों के खून से रंगा हुआ है, यातना यंत्रणा छीक से रंगा हुआ है, इसको अब ठीक करना है। तो ठीक करने में सहायता किसकी लेनी है? चारों तरफ कौन है? ऊपर रूस, रूस का भी आर्टिफिशियल ये भी जाएगा 10-20 साल में, आप लोग देखेंगे। ये जो पूरा एशियन पार्ट में रूस फैला हुआ है, इससे कुड़ जाएगा 10-20-25 साल में। जापान से निपटना है, और इन तीनों से निपटने में सहायक कौन है? भारत। भारत की जियो पोलिटिकल सिचुएशन, जियो मतलब धरती पर उसकी उपस्थिति, पूरे इंडियन ओशन में ऐसे, इंडो पैसिफिक दोनों हमारा झील है, और पॉलिटिकल, हम कम्युनिस्ट नहीं है, हम डेमोक्रेटिक हैं, बेहुदा है लेकिन उनके लिए डेमोक्रेटिक है, और हम मिलिटरली पावरफुल हैं। हम जो इकोनॉमिकली पावरफुल
हो रहे हैं, वो तुम्हारी दी हुई बैसाखियों पर नहीं है, तो तुम्हारे कोई बैसाखी छीन लेने पर चरमरा के नहीं गिर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स की मजबूरी है एक मजबूत साथी, लेकिन उसको ये वहम पाल लेना कि वो हमारा दोस्त है। ये देशों के मामले में दोस्त और दुश्मन होते नहीं है, होते ही नहीं है। इसलिए इसको दोस्त मत मानो, इसको दुश्मन मत मानो, ये निहायत फिजूल की शब्दावली है। इसमें किसी काम के लिए हम साथी हैं, किसी काम के लिए हम साथी नहीं है। तो त्रिविस्टप वाले मामले में अपने घर में अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सुख चैन से रहना है तो आवश्यक है ये त्रिविस्टप का विशाल क्षेत्र कम्युनिस्ट पंजे से मुक्त हो। तो मुक्त अपने आप होकर, वो ऐसा दुर्गम क्षेत्र है, वहां जनसंख्या इतनी कम है, इतना विरल है, देश कैसा हो, राष्ट्र कैसा हो, उस पर आदित्य जी बड़ा सुंदर बताते हैं, अभी वो बताएंगे आप लोगों को। तो ये सदा से भारत का अंग रहा है। महाभारत में लिखा है, मिश्र जी बड़ा सुंदर संस्कृत में बोलते हैं, मैं हिंदी में बोल रही हूं, जो जन कुरुक्षेत्र में रहते हैं वही जन त्रिविष्टप में रहते हैं। आदित्य जी इसको जरा संस्कृत में सुना दीजिए। एक्चुअली एक और नाम है महाभारत में, नाम है कुरु जंगल, कुरुक्षेत्र के पास है कुरु जंगल। और कुरु जंगल का सीधा संबंध मिला है त्रिविष्टप के लोगों के साथ, सीधा संबंध। और हमारे सभी गुरु जो है, हमारे जो गुरु हैं मार्कंडेय ऋषि, बड़े बड़े जो गुरु हैं, सुखदेव गोस्वामी, ये सब वहां जाके तपस्या कर चुके हैं। इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी तो मेरु पर्वत से पैदल चल के आए हैं वहां तक, और कैलाश पर्वत से उत्तरी दिशा में, उत्तरी ईशान कोण पे, उत्तरी पूर्वी दिशा में इतनी सारी जो झीलें हैं, बहुत सारी झीलें लोग चाइनीज भी आज तक ढूंढ नहीं पाए, उनको उनका नाम ही नहीं रखा गया है कुछ भी, उनका नाम आज भी संस्कृति है। जैसे एक का नाम है जीवन, एक झील का नाम है जीवन, आज भी जीवन है, और उस झील का संबंध सीधा उसी झील से आता है। इसका एक माउंटेन पीक है, उसका नाम है चित्रा, तो उसके बाजू में माउंटेन पीक भी है चित्रा, वो मेरे नई बुक में मैं डालने वाला हूँ सब डिटेल्स। तो त्रिविष्टप तो हमेशा हमारे साधु संतों की जगह रही है, इसको कोई अलग ही नहीं कर सकता हमसे ये, और यहाँ पे ये लोग कोई राज भी नहीं कर सकते उस, क्योंकि उसकी रक्षा कोई और करता है, उसको राज नहीं कर सकते। जैसे आज तक कोई कैलाश पे चढ़ ही नहीं पाया इतना सब होने के बाद भी, हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं करा पाए। शायद एक फोटो दिखाते एक हेलीकॉप्टर की, चाइनीज हेलीकॉप्टर जो ऊपर की तरफ गया, लेकिन वो लैंड नहीं किया उसके ऊपर, देयर इज नो प्लेस टू लैंड, और लैंड नहीं किया, उसके आसपास तक गया, उन्होंने कुछ लोग उधर भेजे। और अगर आप कैलाश पर्वत को ध्यान से देखें तो उसके अंदर आपको लेयर्स में दिखाई देगा लोग खड़े हुए, ध्यान से देखें तो। बहुत बार मैंने बहुत सारी पिक्चर्स एनालाइज किए, मेरे पास ऑलमोस्ट 1000 पिक्चर्स हैं क्लोजअप्स ऑफ कैलाश पर्वत, और मुझे तो कुछ और दिखता है, लोगों को कुछ और दिखता है, शायद वो डिपेंड करता है किस चक्षु से आप देख रहे हैं। तो बट उस पर और कोई शो करेंगे, अब मैं आपका समय नहीं लूंगा यहाँ पे। नहीं, मैं चाहती हूँ आप ये बताइए, क्योंकि मैं तो उतना जानती हूँ जो अंग्रेजी में पढ़ा है, और जो पुराने महाभारत में पढ़ा है वो मैंने एकदम से देख नहीं पाती हूँ। तो वो एक लाइन है ना, यो जना बसंती कुरुक्षेत्र, यो बसंते कुरुक्षेत्र ते बसंते त्रिविष्टप। त्रिविष्टप, तो ये दोनों जन एक है भाई, तुम्हारे बताने से, तुम्हारे नरेटिव लिखने से, फॉल्स नरेटिव लिखने से सच्चाई नहीं बदल जाती भाई। सत्योलॉजी को मिथोलॉजी कहने से वो मिथ्या नहीं होता भाई, वो धरती पर खड़ा है। तो अब अमेरिका का चक्कर क्या है,
1949 में 1956 में उसका चक्कर था हो रहा है, तो वो अब चक्कर है नहीं वही भाई। तिब्बत की जय हो, जय करने के लिए तिब्बत की जय। नैंसो पेलोसी आती है, दलाई लामा से मिलती है, भारत आती है, अब मोदी जी का, जयशंकर जी का, डोभाल जी का और पता नहीं किन किन जी का क्या क्या गुटलिंग हुआ है, वो हम नागरिकों के जानने का तो विषय नहीं है कि हम लोग जानेंगे। तो सार ये है कि जो दुष्टता पूर्ण कार्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 20वीं शताब्दी के जियो पोलिटिकल मामलों में हुए, या मैं कहूं 1945 के बाद कढ़ी में जो उबाल आया, किसकी कढ़ी में? यूरोप का एक एक्सटेंशन अमेरिका, यूरोप का एक एक्सटेंशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दो कढ़ी में जो उबाल आया वो 90 आते आते ठंडा आ गया। यूएसएसआर को दूसरे उबाल ने तोड़ फोड़ के बराबर किया, भी और तोड़ना बाकी है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद ही अपना बाजार समेट रहा है। तो अब चक्कर क्या है? शी जिनपिंग के रहते रहते, मोदी जी तो मैंने कई बार कहा है कम से कम अभी ये तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म का प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे, छठवां का मुझे नहीं पता, मेरे को 22 साल उनका दिखा था, तो अभी केवल 10 साल बीता है, 12 साल तो अभी मोदी जी का बाकी है। तो शी जिनपिंग 2-4-5 साल के रहते रहते भीतर से इस पीआरसी को एकदम ढीला, मुलायम, पंचर, कमजोर कर देंगे। शी जिनपिंग के जाने के बाद वो ढीला ढाला स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। कैसा? सोवियत रूस जैसा। सोवियत रूस जैसा होने का मतलब मंगोलिया मंगोलिया से मिल जाएगा, मंचूरिया मंचूरिया से मिल जाएगा, सीक्योंग अपने ठाव से मिल जाएगा, तिब्बत अपने, त्रिविस्टप हरिवर्ष किम पुरुष वर्ष, हेमवंत पुरुष हेमवंत वर्ष अपने ठाव से जुड़ जाएगा। केवल इतना नहीं, हेमनान भी अपने ठाव से, और हमारा पड़ोसी तो था नहीं, हमारा शिष्य देश, हमारा मित्र देश चीन भी कम्युनिस्ट पंजे से मुक्त होकर पुनः विष्णु की, दुर्गा की, जगदम्बा की आराधना आनंद से करेगा। विष्णु के नौवें अवतार भगवान बुद्ध की भी आराधना करेगा, सरस्वती मैया की भी आराधना करेगा, और महादेव की आराधना तो करने का उसका पुराना अभ्यास है। तो अमेरिका का चक्कर ये है, हो गया भाई बड़ा बोझा उझा, बड़ा दरोगा गिरी, अब तुम लोग अपना अपना एरिया संभालो भाई। कहा कि साहब भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बनेगा, बनाओ भाई, बनाओ भी, कमाओ भी, खाओ भी, दरोगा गिरी हम ना करेंगे, बड़ा खर्चा हो रहा है। तो जब हूती लोग लाल सागर में, हूती कौन है, अरे कोई होगा यमन उमन, इतना बित्ती बित्ती में ईरान खड़ा किया, ईरान को कौन पैसा दे रहा है, ईरान को रूस पैसा दे रहा है, अमेरिका कह रहा है जी तुम लोग अपना अपना संभालो। तो लड़ाई के बीच में अमेरिका का फ्लीट चला गया, भारत का फ्लीट जाकर खड़ा हो गया, तो सदा की भांति पूरे इंडियन ओशन में, सदा की भांति प्रशांत महासागर में, मलय सागर में, भारत की झील की तरह भारत के नाविक, भारत के व्यापारी, भारत के मर्चेंट फ्लीट, भारत के सैन्य फ्लीट आते जाते रहेंगे। केवल यहां नहीं, जिसको मध्य एशिया कहते हैं,
जिसमें से पांच ये निकल के बाहर आए हैं 1990 के बाद, कौन कौन? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान और दो और किर्गिस्तान। इन पर आप कहेंगे तो मैं कम्युनिस्ट राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक से पढ़ के सुनाऊंगी, ये सब भरत क्षेत्र है। अगर आदित्य जी की अनुमति होगी तो अगली रिकॉर्डिंग तिब्बत के साथ साथ वो भी कर दूंगी, क्योंकि अगले 10-15 साल में उसकी भी चर्चा आने वाली है। और ये सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हो गया है तय। इस संपूर्ण क्षेत्र पर 19वीं शताब्दी के अंत तक कब्जा करवाया, क्यों? भारत भारी आफत था। अब भैया हमारे वश का नहीं है इन कम्युनिस्टों से लड़ना भिड़ना, तुम सदा से सबसे निपटते रहे हो, तुम्हारे यहाँ 18 छौड़ी सेना, तो 7 छौड़ी, तो चतुरंगणी, तो शतघ्नी, तुम लोग का महाकाव्य भी युद्ध काव्य है, तुम्हारे देवी देवता भी दिन भर युद्ध करते हैं, तुम लोग वीरता वाले हो, हम लोग किसी तरह खा पहन ले, अपना टट्टी फट्टी साफ करके सफाई से रह ले, इतना हमारे लिए बहुत है। ध्यान दीजिए, यूएसए क्या है? यूएसए यूरोप का एक्सटेंशन है। करेक्ट। इसको जब तक याद नहीं रखेंगे, यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया को समझना असंभव है। बिल्कुल नहीं। इनके जीन में, इनके डीएनए में क्या है? मार खाना। किसके द्वारा? चर्च के द्वारा। कैसे? चमड़ी, वो यूरोप का सिरी, अब मेरा हिम्मत ही नहीं होता उठाने का, चमड़ी कैसे नोचते हैं। इनको अपनी पावर्टी याद है, ऐसी कंगाली याद है जिसका एक भी वर्णन किसी भारतीय साहित्य में नहीं है। तो यूएसए कहता है, यूएसए मतलब यूरोप के वो लोग जो नेटिव इंडियंस की जमीन छीन के वहां बैठे हैं, अब तो सुख से खा पी ले, लड़ने भिड़ने का काम तुम करो जी, तुम राजसूय करते थे, तुम अश्वमेध करते थे, तुम्हारी सेनाएं यूनाइटेड नेशंस के पीस मिशन, पीस फोर्सेस में रही है, तुम्हारी सेनाएं वॉर हार्डेंड है, तुम्हारे यहाँ सैनिक, जब सैनिकों का जब देह आता है तो माताएं सड़क पर, पत्नियां सड़क पर जुलूस नहीं निकालती हैं, वीर व्रति स्वर्गारोहण किया है, इसको सेलिब्रेट करती हैं। तो अमेरिका का चक्कर ये है, भैया अपना त्रिविस्टप तुम संभालो, हम तुम्हारे साथ हैं, इन कम्युनिस्टों से हम जो गड़बड़ किए थे हम ठीक किए दे रहे हैं, तुम संभालो। ताइवान में नैन्सी पेलोसी गई, नैन्सी पेलोसी दलाई लामा के पास गई, अब नैन्सी पेलोसी या उसकी इक्विवेलेंट और 2-4 जगह जाएगी, ऐसे आप अचानक सुनेंगे। तो मुझे तो इस विषय पर इतना ही आता है, शेष आदित्य जी और एक्सपर्ट्स बताएंगे जो ज्यादा जानते हैं। एक्चुअली आपसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, यू आर ब्रिंगिंग द, आप इतनी पुस्तकें पढ़ती हैं, और ये जो फैक्ट है यूरोपियनिज्म के ऊपर कि अमेरिका इज टर्निंग टुवर्ड्स यूरोपियनिज्म, ये मैं गोल्ड ग्लोरी गॉड पुस्तक में बिना कोई अमेरिकन ऑथर पढ़े हुए लिख चुका हूँ। मैं जस्ट मैं ओवर बुक, अरे वो जो नहीं है क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन वाली, वो आंसू से रो रहा है। आप कहिएगा तो हम कुछ पुस्तकें पढ़ पढ़ के बताएं। हाँ बताइएगा, बाद में एक अगले शो में उसको करते हैं, क्योंकि मैंने ये सब प्योरली वे ऑब्जर्वेशन लिखा, बिकॉज मैं यहाँ पे इतने साल से इन लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, और इनको कोई कनेक्शन ही नहीं है इस भूमि से, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए जैसे पुराने समय में फोर्ट्स में रहते थे ना, किले में छुप के, आज इन्होंने अपने लिए कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स बना दिए, कॉर्पोरेट सेंटर्स बना दिए, उसको बोलते हैं अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन किले के जैसा है, एवरी अर्बन पॉपुलेशन इज सेल्फ सफिशियंट, और
उसके उसकी लोकल पुलिस होती है, मतलब किला ही हो गया एक तरीके का, अब उसे बाहर निकल नहीं सकते। तो ये लोग, देयर वाज अ वेरी फेमस सेइंग बाय एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, यू मेक रोड्स ओनली वेयर यू वांट पीपल टू गो, है ना। और एक भारतीय संत ने बोला, वेयर डू अमेरिकन रोड्स लीड टू, हेल, इंडियन रोड्स लीड टू धाम। हम तो संसार भर में घूमते ही रहे हैं ना सदा, इतना वर्णन है। तो तिब्बत जो चक्कर है कि भैया पहुंचा हमने उबाल में, कब कौन सा उबाल, 45 के बाद के उबाल में अपने कपार पे रख लिया था, भैया तू संभाल हमारी जान छोड़, हम सुख से खा पी गए। yes. बहुत जगह से हटेंगे लेकिन समझदार लोग हैं। मेरे यूएसए वालों के लिए प्रशंसा है क्योंकि मैं वहां की असलियत नहीं जानती, यहाँ जो पढ़ लिख के ये यूरोप के मूर्खों से बहुत समझदार है, ये भाग कर आया ना वहां से। तो मैं जैसे सड़क पे जा रहा, कल मैं पीपल टच के लिए, मैं बोलता हूँ पीपल टच, मैं निकलता हूँ तो मैं वीकेंड में था तो मैंने किसी को बताया लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में, तो सतोलॉजी शब्द पे बात होती रही, सतोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है, इसका क्या आउटकम है, क्या इम्पैक्ट है उसका। और मैं इतना, मुझे सच ए शार्प पीपल, तुरंत उसे पकड़ लिया। वो मेरे को बोलती है लड़की कि योगा इज द फ्यूचर फॉर मैनकाइंड। अब उसको कोई संबंध नहीं है भारत से, मैंने कहा हैव यू बीन टू इंडिया, नो। तो उसने मुझे पूछा कि आर यू मैक्सिकन, मैंने कहा मैं मैक्सिकन नहीं, मैं भारतीय हूँ। तो मैंने उसको बताया, क्योंकि वो शक्ल से उन लोगों को समझ में नहीं आता है क्या है, तो मैंने उसको बताया और उसको समझाया कि योग शब्द जो है गीता में, वेदों में, वशिष्ठ मुनि ने, रामायण में, हर जगह इसका प्रयोग है। और एवं व्यवस्थे योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, भगवान बोल रहे हैं कि मैंने सबसे पहले योग का ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को योग ज्ञान भी बोला जाता है। आजकल स्कॉलर्स काफी लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन योग वेदों की पूरी विद्या को योग बोला जाता है, क्योंकि वेदों के माध्यम से भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो पूरा वो समझाया मैंने कि वे, तो शी वाज सो इंप्रेस्ड, और उसने तुरंत साइन अप किया इवेंट के लिए कि मैं आती हूँ, बिकॉज आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। तो देयर इज अ लॉट ऑफ जागरूकता है यहाँ पर, और यही मैं, दो अमेरिका है, एक तो स्पिरिचुअल साइड है और दूसरा जो परेशान हो चुका है अमेरिकन चर्च बेस्ड पॉलिटिक्स से, वो सारा सनातन की तरफ मूव करा, और तो अब तो और भी मूव करेगा, इसके और भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कहना है मेरा, एक मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपने इतना ये सब जो पढ़ा है ना, त्रिविस्तक पर एक कार्यक्रम आप कीजिए, भले मैं बात करने बैठ जाऊंगी, उसमें मैं आपसे कुछ कुछ पूछ लूंगी, तो उससे क्या होता है ना, कोई पूछता है तो अपने जो ध्यान से उतर गया है वो भी बात बता देते हैं। बिल्कुल, तो आप जितना जानते हैं वो बताने का प्रयोजन क्या है, भारतीयों को और गैर भारतीयों को बताना, ये तो हमारी क्रीड़ा भूमि है। बिल्कुल, ये तो हमारे महादेव जी की लास्ट भूमि है, हमारी जगदम्बा, हमारे गणेश, हमारे कार्तिकेय का क्रीड़ा भूमि है भाई। अभी जगन्नाथ जी के अलावा मेरे दूसरे अच्छे मित्र बन चुके हैं गोप्रो कैमरा। अच्छा, वो क्या है, एक कैमरा है, उसके साथ में घूमता हूं पकड़। जी, तो फिर अमेरिका का चक्कर की जय हो, अमेरिका के चक्कर की जय हो, त्रिविस्तक की जय हो, महादेव जी प्रसन्न हो, हम उनका पूजन करने पुनः वहां जाए। हर हर महादेव। महादेव जी, आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, और वीडियो को जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि उससे ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं। आजकल वापस सतोलॉजी का व्यूअरशिप कम हो गया है थोड़े दिनों से, तो उस पर भी आप करिएगा। तो प्लीज थैंक यू, और फिर हम लोग अगली बार मिलते हैं अगले शो में। एक चीज जरा सा, सब लोग मन में जो लोग सुने वो कहे, कैलाश मानसरोवर में हम भगवान आपका दर्शन करने आए, वहां फिर आपको राम नाम हरि नाम सुनाए आकर। जी, बस इतना ही। नमस्कार, नमस्ते।